लाजो और निखिल की लव स्टोरी कौन नहीं जानता है और किसे शो पसंद नहीं रहा है। बात करें तो ये शो गुस्ताख दिल है और ये शो रिलीज़ हुआ था लाइफ ओके पर, जब लाइफ ओके न्यू चैनल लॉन्च किया गया था तो उसके साथ ही उस पर कई सारे शोज न्यू ऑन एयर हुए थे, जिनमें से एक शो ये भी था। लेकिन इतना ज़्यादा पॉपुलर होगा ये शो, ये किसे पता था। बहुत ज़्यादा हिट रही है जोड़ी। विभव राय यहाँ पर निखिल के कैरेक्टर में देखने को मिले थे और यहाँ पर शनामिन शेख देखने को मिली थी लाजो के कैरेक्टर में। दोनों की जोड़ी सुपर ओवर हिट रही। ये जोड़ी जो शो की स्टोरी देखने को मिली थी वो एक 90s के दशक की मूवीज़ होती हैं, उनकी जो स्टोरीज़ रही हैं कुछ तरह उस तरह से स्टोरी पर बेस्ड थी। इमली शो की अगर हम बात करें तो इस शो से काफ़ी कुछ रिलेट करता है ये शो, तो बहुत ज़्यादा पसंद आया था शो। लव ट्रायंगल देखने को मिला था शो के अंदर, किस तरह से एक पढ़े लिखे लड़के की शादी एक गांव की लड़की से हो जाती है, फिर दोनों के बीच में किस तरह से प्यार बढ़ता है, ये सब कुछ आपको देखने को मिला था शो के अंदर। तो वाकई में शो को बहुत ज़्यादा प्यार मिला, लोगों ने पसंद किया और आज भी शो का जो रिपीट टेलीकास्ट स्टार भारत पर देखने को मिल रहा है तो वहाँ पर ऑडियंस का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि चांसेस बढ़ गए हैं कि शो का सीज़न 2 आ सकता है, मतलब लोग डिमांड भी कर रहे हैं, जो फैंस हैं वो लगातार डिमांड करें कि शो का सीज़न 2 आना चाहिए। उसके चांसेस भी हैं कि शो का सीज़न 2 आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। अभी देखना ये होगा कि विभव राय और यहाँ पर सना अमीन शेख किस तरीके से दोनों एक साथ नज़र आ पाएंगे शो के सीज़न 2 में। अगर सीज़न 2 मेकर्स कास्ट करके लेकर आते हैं तो क्या एक बार फिर से आपको ये जोड़ी देखने को मिल पाएगी या फिर यहाँ पर नए चेहरे नज़र आएंगे। अब हालांकि सीज़न 1 के जो फैंस हैं वो इसी जोड़ी को देखना चाहेंगे क्योंकि ये जोड़ी लोगों के दिलों पर बैठी हुई है, लोगों के दिलों में राज करती है, तो डेफिनेटली लोग यही डिमांड करेंगे कि निखिल और लाजो ही नज़र आने चाहिए, रिप्लेसमेंट नहीं होनी चाहिए। लेकिन सीज़न 2 में क्या कुछ हो सकता है ये तो मेकर्स ही प्लानिंग कर सकते हैं। सना की बात करें तो काफ़ी लंबे टाइम से टीवी से दूरी बनाए हुए हैं, वो नज़र नहीं आई हैं। वहीं विभव की अगर हम बात करें तो विभव राय अभी हाल ही में देखने को मिले थे मेरी सास बहू है शो में मेल लीड प्ले करते हुए, तो उनके चांसेस हैं कि वो नज़र आ सकती हैं। तो चांसेस हैं कि सना अमीन को भी अगर कास्ट किया जाता है तो वो नज़र ज़रूर आना चाहेंगी अपने इस पॉपुलर कैरेक्टर में। क्या कुछ आपका कहना है कमेंट करके ज़रूर एक्साइटमेंट बताना, वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर करना ना भूलना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।